ये तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तकरीबन 12 बजे दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। तकरीबन 12 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ सहजनवा में बने रहे अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे, तो खाद कारखाना के पास निर्माणाधीन सैनिक स्कूल और फिर गोड़धाइयो नाले का निरीक्षण करेंगे। शाम को आरपीएम एकेडमी ग्रीन सिटी में गैलेंट आयुर्वेद ज्योतिष महासमागम 2022 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं भी सुनेंगे और कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री निजी अखबार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद से अगले दिन रविवार की सुबह मंदिर में दर्शन पूजन के बाद फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे। तो आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें कि शिरकत करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गैलेंट आयुर्वेद ज्योतिष महासंगम में भी आज शामिल होंगे। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को भी आज समीक्षा की जाएगी। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, दो दिवसीय गोरखपुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। तो दो दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रम भी होंगे और अटल आवासीय विद्यालय का आज उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी। सैनिक स्कूल गुड़धोइया नाले का भी निरीक्षण करेंगे, साथ ही गैलेंट आयुर्वेद ज्योतिष महासंगम में भी आज महासमागम में भी शामिल होंगे। तो विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दो दिवसीय गोरखपुर का दौरा बताया जा रहा है, ऐसे में कई कार्यक्रम रहने वाले हैं और साथ ही जो दो दिवसीय ये दौरा होगा, दो दिवसीय दौरे में बैठकें भी कर सकते हैं, कई लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। साथ ही जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका निरीक्षण भी करेंगे, तो आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, दो दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और ये जो दौरा बताया जा रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कई कार्यक्रम अटल आवासीय योजना का भी उद्घाटन करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस पर अधिक जानकारी के साथ सुशील कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानकारी चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय गोरखपुर दौरा बताया जा रहा है, इन दिनों में ये दो दिन जो सीएम योगी आदित्यनाथ के रहेंगे गोरखपुर के लिए, ऐसे में क्या कुछ महत्वपूर्ण ये दौरा हो सकता है लोगों के लिए, या फिर अगर दौरे को देखे सीएम योगी की तरफ से भी तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ रहे हैं। तकरीबन 12 बजे के आसपास वो आएंगे और सीधे सहजनवा पहुंचेंगे और सहजनवा में अटल आवासीय विद्यालय का वो जो निर्माणाधीन जो काम हो रहा है उसके कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे और साथ ही समीक्षा भी कर सकते हैं। निरीक्षण करने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश देंगे और उसके बाद फिर सीधे जो आएंगे जो है पुराने खाद कारखाने में जहाँ पे सैनिक स्कूल का निर्माण हो रहा है वहाँ पे वो निरीक्षण करेंगे, वहाँ पे जो है निर्देश देंगे। उसके बाद सीधे गुड़धोइया पुल के जो सुंदरीकरण का काम है, गुड़धोइया पुल के सुंदरीकरण को लेकर के वहाँ वो पहुंचेंगे और वहाँ पे उसका निरीक्षण करेंगे और वहाँ भी अधिकारियों को जो है आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। उसके बाद जो है फिर वो गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद सुबह अगले दिन जनता दर्शन करेंगे, जनता दरबार लगाएंगे और जनता दरबार लगाने के बाद उनकी फरियाद सुनेंगे। फिर अगले दिन जो है विकास कार्यों को लेकर के विकास भवन में जो है बैठक करेंगे, जिसमें जिलाधिकारी, कमिश्नर जो है, एसएसपी सहित तमाम पुलिस और प्रशासनिक अमला वहां मौजूद रहेगा। और उसके बाद जो है एक प्राइवेट कार्यक्रम में, अखबार का कार्यक्रम है, उसमें वो शिरकत करेंगे और उसके बाद शायद लखनऊ के निकलने का उनका प्रावधान है। जी चलिए, ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे और भी खबरों पर अपडेट हम लेते रहेंगे।